आप लोग ये सोच रहे हो क्या मैं ऐसी हमेशा ऐसे खुश रहती हूँ, नहीं, कभी मैं इससे ज्यादा भी खुश होती हूँ। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं वापस आ गई हूँ बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ, और आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रही हूँ वो है हानिया आमिर की टिकटॉक कंपाइलेशन। और अगर मैं बताऊँ अपनी, तो मुझे हानिया बहुत प्यारी लगती है यार। एक तो वो बहुत ज़्यादा प्रिटी है, दूसरी वो बहुत ज़्यादा सी चुलबुली फन लविंग सी लड़की है ना। और इंडिया में जितनी वो फेमस पाकिस्तान में, भाई वो इंडिया में भी उतनी ही ज़्यादा फेमस है। अभी कुछ टाइम पहले ना बादशाह और उसकी कॉन्ट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी इंडिया में, कि जैसे हानिया आमिर और बादशाह का कुछ कुछ चल रहा है, बाकी पता नहीं यार। और हम लोगों ने वो बहुत सारी ऐसी रील्स भी देखी इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे वो दुबई गई थी है ना, और बादशाह भी गए और फिर वो उधर मिले, बाकी पता नहीं क्या है यार। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो फिर आप भी देखिए मैं भी देखती हूँ। लेट्स स्टार्ट। 2 3 प्रिटी है ये लड़की। आप लोग ये सोच रहे हो क्या मैं ऐसी हमेशा ऐसे खुश रहती हूँ, नहीं, कभी मैं इससे ज्यादा भी खुश होती हूँ। मैं कभी रोती हूँ, कभी हंसती, बहुत नॉर्मल। मैं बहुत झूठी होंगी अगर मैं कहूँगी कि नहीं कुछ नहीं होता, थिक स्किन ये वो, नहीं। कभी 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 लोग ऐसी बात करते हैं कि हंसी आ जाती है कि यार आपको क्या पता, और कभी कभी ऐसी बात। दुनिया में बेहिसाब प्यार, मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार। तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, जिसे ढूंढती नजर दिखा रहे इनको। कौन सा क्रिकेटर तुमसे ज्यादा क्यूट है? बाबर आजम। हानिया आमिर। हाँ ठीक है, बाबर आजम सही जा रहे हैं। बाबर आजम। हानिया आमिर। हानिया, आई थिंक हानिया की जो एनर्जी है ना वो बाद में ही समझ आएगी, अभी नहीं समझ आएगी, लेकिन हानिया के साथ में बहुत एंजॉय करता हूँ। हानिया भी बहुत क्यूट लगता है साथ में। वाव, उस एनर्जी देखो भाई। मेरी मज़ा
हीरोइन लगती है, बहुत प्यारी है। हाँ हीरोइन तो लगती है लेकिन चेहरी हीरोइन ना बन पाई। सही में बिग बॉस, बिग बॉस मुझे यहाँ से बात करनी है, बिग बॉस मुझे यहाँ से निकलना है। सलमान भाई, सलमान भाई मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। वाओ, बहुत ही कमाल की वीडियो थी यार। जो हानिया आमिर है ये तो बोलना पड़ेगा, बहुत ही चुलबुली सी प्यारी सी लड़की है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आई ना, वो ये है कि हर जगह जो हानिया है वो बाबर आजम का नाम लेती है और जो बाबा आजम है वो हानिया का नाम लेता है हर जगह। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी समझ नहीं आई, लाइक इनका कुछ कुछ चल रहा है क्या। लेकिन मेरे को ये भी थोड़ा है कि लाइक जो हानिया है वो तो मतलब बादशाह के साथ उसकी बातें हो रही है, तो फिर बाबर आजम के साथ क्या है, तो यार वो तो पता नहीं। लेकिन वो रेड साड़ी में इतनी प्रिटी लग रही थी, इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, है ना। और जो वो बिग बॉस वाली उसने वो एक्टिंग करी है वो भी बहुत ज़्यादा कमाल की थी। मेरे को तो ऐसा मन कर रहा था कि यार काश जो हानिया है वो बिग बॉस में आए, इंडिया बिग बॉस में, और वो कितना ज़्यादा मज़ेदार रहेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फन लविंग है। और मेरे को लगता है कि जो हानिया है वो दिल से बहुत साफ लड़की है ना। और हम लोगों ने वो भी देखा फिरोज़ खान के साथ, उनका कितना अच्छा सा सीन है ना, मतलब कि उनके साथ भी वो बड़ा प्यार से रहती है। तो एक कैसी लड़की है वो जो मोस्टली मुस्कुराती ही रहती है ना, तो उसको देखकर बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है यार हानिया को देखकर। और जिस हिसाब से वो चिल कर रही थी गाड़ी में उसको देखकर भी मुझे बड़ा मज़ा आया। तो गाइज़ यही था मेरा रिएक्शन, आप लोगों को मेरा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और हाँ, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।